तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज के बारे में। वीडियो में जो अंकल दिख रहे हैं इनकी एज है 80 ईयर। इनकी हिस्ट्री है कि इनको इससे पहले 3 महीने पहले भी स्ट्रोक का एक अटैक आ चुका है, जिसमें माइनर इस्केमिक अटैक थे, जिसकी वजह से पेशेंट के बिहेवियर में थोड़ा अल्टरेशन था और वीकनेस और लिथार्जी जैसे जो सिम्टम्स हैं ये बने हुए थे। इसके बाद इनकी रिसेंट हिस्ट्री ये है कि ये अचानक से वॉशरूम के दौरान बाथरूम में गिर जाते हैं, तो उसके बाद से इनके राइट साइड आधा जो राइट साइड है बॉडी का ना, राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया है। जैसा कि आप वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं, राइट साइड के हाथों में और पैरों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। ये सर्जरी के पहले सीटी स्कैन कराने पे पता चलता है कि पेशेंट को क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज है, मतलब जो ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है उसमें ड्यूरामेटर, अरेक्नाइटमेटर, पायामेटर, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे ब्लीडिंग हो गई है पेशेंट को, तो और ये ब्लीडिंग पुरानी है एक्चुअली। तो ये सब क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज का केस है। इस केस को डॉक्टर संदेश खंडेलवाल सर न्यूरोसर्जन ने किया है। आप बिल्कुल इस केस में देख सकते हो कि पेशेंट की जो पहले कंडीशन थी, सर्जरी के पहले कंडीशन जो थी, जिसमें जो सिम्टम्स थे पेशेंट के, वो बहुत ज़्यादा उसमें ड्रामेटिक चेंजेस आए। सर्जरी के दूसरे दिन ही पेशेंट में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि वो बिल्कुल हाथ पैर अपने मूवमेंट कर पाता है और काफ़ी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आया। आप इस वीडियो में कम्प्लीटली देख करके पता कर सकते हैं। ओके थैंक्स। हाँ दादा हाथ उठाओ। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हाथ पकड़ो, ठीक है बस हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ पकड़ो, अब मेरा हाथ पकड़ो। हाँ बहुत बढ़िया, ये वाला हाथ दिखाओ, ये हाथ पकड़ो, पकड़ो हाथ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पकड़ो, दबाओ, बहुत बढ़िया। ये हाथ पकड़ो, ये हाथ पकड़ लो, चलो ये हाथ पकड़ो, जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ो, पकड़ो जोर से पकड़ो। में भी बट राइट साइडेड हेमिपेरेसिस है, इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। हाथ पकड़ो दद्दू, हाथ पकड़ो, ठीक है। ठीक
पहले सलाइन दो, चलो फटाफट ये तो पकड़ो यहाँ पब वाला तुम्हारा, तो इधर जान दो जो बचेगा। चालू करें सक्शन से, पकड़ो यहाँ, पकड़ो हड्डी में बस यहाँ, बस यहाँ पे सक्शन करो, ये वाला तो इसमें गिर रहा है, मैं भर लूँगा तुम तो, बस सक्शन करते हुए बैड रिटर्न आया था पेशेंट, पूरा चलता ही नहीं था, हमने यहाँ पे उसको खड़ा कर दिया था, उसका वीडियो आया हाईवे पे चल रहा है शाम का वीडियो, मैं देख के खुश हो गया, एक सर्वाइकल इम्प्रूव होता है। ये लाल आ रहा है, जब तक सफ़ेद नहीं हो जाए ना तब तक। इससे ज़्यादा वो है डालने पड़ेंगे फ्लेम, फटाफट से डलेगा ना इससे जा ही रहा है, यही करना चाह रहा था मैं। तो अपना है भाई, तुम्हारा हाँ गाउन डाल दो ना, गाउन डाल दो से काम ले जाऊँ, नहीं ठीक है कट दोनों। हाँ तो वीडियो में यूरो कनेक्ट करेंगे क्या? नहीं नहीं ये तो बोल रहा हूँ नहीं करता मैं। सिल्क भी आ गया, सिल्क भी डाल के रखा होगा, कुछ भी लगाएंगे यही तो बोल रहा हूँ, तो बंद कर देंगे, पैक करके रख देंगे, दो दिन बाद आएंगे उसमें से जो भी आएगा खींच के निकाल के फिर निकाल देंगे, बट हम ब्रेन को स्वेलिंग होने का टाइम देते हैं,
इसी क्या है वो बाहर कनेक्ट करो ना तो इन्फेक्शन के रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अब ब्रदर वो दे रहा सिल्क ये जो तुमको दिख रहा है ना ये जो ब्रेन के पल्सेशन है अब ले लो नाइन चल रहा है हाँ सर नहीं नहीं क्यों चाहिए उसको नहीं बन तो ड्रेन बची तो है सिर्फ पूछा मैंने काटा ही बीच में उसे तो बीच से काटा है ना उसका। अरे मैं सरकारी नौकरी से आया हूँ भाई सरकारी कॉलेज से को ध्यान में रहता है कितना काका बचाना है सर वो जो क्रेनियम की ओपनिंग है वो अपने आप हील होगी या फिर उनको हील करना है पर्पल ऑफ सर्जरी वो डिक्रीज द प्रेशर ना पैर मोड़ो ये वाला उठाओ पैर मोड़ो बहुत बढ़िया उस साइड वाला ये वाला हाँ बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो दादा ये उंगली पकड़ो मेरा एक मिनट ये उंगली पकड़ो उंगली ये वाला बहुत बढ़िया यार इतना इंप्रूवमेंट मैं पहली बार देखा मैंने सर्जरी में बहुत बढ़िया